देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी अभियान चला रही है। इसके तहत पार्टी के सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर शहर के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर जनता को कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए उन वादों का याद कराया जो अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। भाजपा के इस अभियान के तहत रायपुर सांसद सुनील सोनी पूर्व विधायक नंदे साहू के साथ बोरिया खुर्द और रानी दुर्गावती वार्ड पहुंचे। सुनील सोनी ने इस मौके पर कहा कि जनता को जगाना हमारा दायित्व है। उन्होंने आम लोगों से कहा कि कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलकर आपके वोट ले लिए हैं, अब आपको अपने अधिकारों के प्रति जागना होगा। पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के चंगोरा भाटा पचपेड़ी नाका सहित आसपास के इलाकों में भ्रमण करते हुए नागरिकों को याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को नौकरी देने या 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, मगर इस पर अमल नहीं किया। इसी तरह पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मुणत, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनेक इलाकों का दौरा किया और पर्चे बांटकर जनता को कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए वायदों को याद दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़, रायपुर।